हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस साल होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या अगले साल या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो इस कोर्स को करने के लिए। देखो, होता क्या है कि कुछ चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नहीं पता है और इस वजह से मैंने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में ड्रॉप हो जाते हैं, सेकेंड ईयर में ड्रॉप हो जाते हैं, तो उनका पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लॉन्ग वर्किंग आवर इसलिए कि अगर आप देखोगे दूसरे जॉब में तो आपको 8 से 9 घंटे का शिफ्ट देखने को मिलता है, बट होटल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे 12 से 13 घंटे भी काम करना पड़ जाता है, खास करके अगर आप F&B में हो या किचन डिपार्टमेंट में हो तो आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है देखने को मिलेगा, इवन ब्रेक शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रंट ऑफिस में हो या हाउसकीपिंग में हो तो वहाँ 9 से 10 घंटे में शिफ्ट जो है आपकी ओवर हो जाती है, लेकिन F&B या किचन में हो तो वहाँ पे लंबा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक्वेट अगर होटल में होता है, कोई पार्टी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो आपको लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो 12-13 घंटा काम नहीं कर सकते हो तो इस कोर्स को सिलेक्ट ना करें। सेकेंड पॉइंट है हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपने सुना होगा कि इतनी सैलरी मिल जाती है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपकी प्लेसमेंट होती है तो आपको एक नॉर्मल सैलरी से ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपकी सैलरी उतनी रहती है। आप जैसे जैसे काम करते हो, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ती है, उसी तरह से आपकी सैलरी बढ़ती है। आप भी उनमें से एक ऐसे पर्सन हो जिनको कन्फ्यूजन है कि इस कोर्स को करने के बाद हमारी जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो ये गलत है, ये एक मिथ है। आप स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है लीव्स। अच्छा, मैंने लीव्स का जिक्र क्यों किया, होटल इंडस्ट्री में जो है आपको फिक्स लीव नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप कल को जॉब करोगे, आपकी जो लीव होगी वो फिक्स संडे को होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो आपको ऑफ मिलता है, वीक ऑफ मिलता है, वो कोई वीकडेज हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे हो सकता है, बट आपको सैटरडे टू संडे ऑफ जो है वो नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि बाकी कॉर्पोरेट्स में, बाकी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको संडे या सैटरडे जो है ऑफ मिल जाता है, बट होटल में ऐसा नहीं होता है। संडे आप वर्किंग होते हो, क्योंकि जो होटल है वो 24/7 चलती है, तो आपको यहाँ पे संडे को लीव नहीं मिलता है। बाकी उसके जगह आपको वीक ऑफ और जो पेड लीव होता है वो आपको मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट है ग्रूमिंग। अच्छा, ग्रूमिंग कोई एक मेजर कंसर्न नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है इस इंडस्ट्री के लिए, बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बियर्ड रखना चाहते हैं या लॉन्ग हेयर रखना चाहते हैं, तो उनके ये इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको वेल ग्रूम होके जाना पड़ता है शिफ्ट पे। इवन जॉब की बात ना करें तो हमें कॉलेज में भी जो है 3 साल वेल ग्रूम होके जाना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट का कंफ्यूजन बहुत लोगों का है, ये मैंने कमेंट्स देखा है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स देखो, ये मुझे भी था जब मैं कोर्स कर रहा था, मुझे लगा कि यही 4 कोर्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B हो गया, किचन हो गया और हाउसकीपिंग हो गया। नहीं, इसके अलावा आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं इस कोर्स में, जो आपका 3 साल या 4 साल का जो कोर्स होता है उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, होटल लॉ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं और सभी में आपको पास करना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि जो है ये सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सभी के प्रैक्टिकल भी होते हैं और सभी के थियोरेटिकल एग्जाम भी होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आपको ये सभी कन्फ्यूज़न होगा तो अभी तक क्लियर हो गया होगा। मैंने इस वीडियो में 5 पॉइंट जो है डिस्कस किया है, और 5 पॉइंट अगर लगता है कि आपके लिए नहीं है तो ये कोर्स ना करें, क्योंकि होता क्या है कि कोर्स तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 5 पॉइंट मैंने क्या क्या डिस्कस किया, लॉन्ग वर्किंग शिफ्ट, आपका हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन, थर्ड लीव्स, फोर्थ ग्रूमिंग, फिफ्थ सब्जेक्ट। में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।